हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेट थ्योरीज। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स देखेंगे हम एंड उन स्टेट्स के अंदर किस तरीके की पब्लिक पॉलिसी क्रिएट की जाती है, उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, वो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक रहेगा। एंड दोज हु वांट टू कंट्रीब्यूट इन अवर एफर्ट एंड दोज हु वांट टू परचेज अवर नोट्स, उनके लिए जीमेल अकाउंट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। पेपर वन के नोट्स आपको अवेलेबल हैं, ठीक है? अभी तक जो टॉपिक कवर नहीं हुए उनके भी नोट्स आपको अवेलेबल करवाए गए हैं, सो यू कैन परचेज देम, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। फाइन, सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर स्टेट थ्योरीज। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट थ्योरीज एंड पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन में चार मेजर थ्योरीज हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट। अब इस थ्योरी में क्या है कि स्टेट एक्ट एज एन एम्पायर। क्रिकेट के अंदर दो टीम खेलती हैं और एम्पायर क्या करता है, अगर उन दोनों टीम के बीच में कभी कोई डिसीजन लेना हो या दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो आर्बिट्रेरी जो अथॉरिटी होती है वो कौन होती है, एम्पायर होता है, जो आर्बिट्रेशन का काम जिसके पास होता है एम्पायर। इन द सेम वे स्टेट एक्ट एज एन एम्पायर टू आर्बिट्रेट बिटवीन द इश्यू अकरिंग, जो जितनी भी पार्टीज बनी हुई है, पार्टी इन द सेंस की जितनी भी कंसर्निंग पार्टीज हैं स्टेट के अंदर, उन सबके बीच में आर्बिट्रेशन का काम करता है स्टेट। एंड ये बेसिकली थ्योरी बिलीव करती है दैट हर एक इंडिविजुअल सोसाइटी का नोज दैट व्हाट इज बेस्ट फॉर हिम एंड हैज म्यूचुअली अग्रीड इनटू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर होता है दैट द पर्सन हैज मोर फ्रीडम देन द डेवलपिंग कंट्री एंड दिस डेवलप्ड कंट्री, व्हाई? बिकॉज ये बिलीव किया जाता है दैट ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर हिम एंड वो अपनी और अपनी सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं उनके साथ मिलकर के एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट तैयार करता है और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के प्रोटेक्शन के लिए स्टेट होता है। स्टेट ये देखता है कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से फॉलो हो, ठीक है? जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन, आप अमेरिका का एग्जांपल लीजिए, उसमें क्या है कि जो 50 स्टेट्स हैं वो इकट्ठे आए हैं, उन्होंने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है, वहां के स्टेट्स ने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन के लिए वहां पर स्टेट है। फाइन, इन द सेम वे सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल्स तैयार करते हैं और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की प्रोटेक्शन के लिए कौन है, स्टेट है, और जो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करता है स्टेट विल पनिश देम न्यूट्रली, दैट मींस वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप की साइड नहीं लेता है। ये थ्योरी मानता है, दिस थ्योरी बेसिकली बिलीव्स दैट स्टेट इज नॉन पार्टीशन, दैट मींस वो किसी की साइड नहीं लेता, अनबायस्ड है, और जो पॉलिसी उभर करके आती है स्टेट के अंदर दे आर यूनिवर्सल एंड बेनिफिशियल टू द ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। फाइन, एक आइडियल स्टेट की यहाँ पर बात हो रही है, आइडियल नेचर का जो स्टेट होता है कि हर एक को पता है उसकी ड्यूटीज क्या है, उसके लिए बेहतर क्या है, ठीक है, और स्टेट अपना काम बिना किसी ग्रुप को इन्फ्लुएंस किए बगैर या बिना किसी ग्रुप के इन्फ्लुएंस में आए बगैर अपनी डिसीजन लेता है। फाइन, इसके अलावा एक आती है नियो प्लुरलिस्टिक स्टेट थ्योरी। इसके अंदर बेसिकली क्या है, थोड़ा सा नया कंसेप्ट है एज कंपेयर टू द प्लुरलिस्टिक थ्योरी, नया डेवलप किया गया, रियलिटी को ऐड करने की कोशिश की गई है, दैट स्टेट इज नॉट कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टेट कंप्लीटली इंसुलेटेड हो, कोई ग्रुप जो स्टेट को इन्फ्लुएंस ना करता हो। और बेसिकली क्या है, स्टेट इन्फ्लुएंस रिपीटेडली बाय ग्रुप्स हुज रिलेटिव स्ट्रेंथ कॉज्ड बाय ह्यूज इन्वेस्टमेंट। जैसे कॉर्पोरेट्स होते हैं, कॉर्पोरेट क्या करते हैं, इकोनॉमी को बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हैं बाय मेकिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो स्टेट क्या करता है, जब भी कोई पॉलिसी बनानी होगी या जब भी डिसीजन लेना होगा तो वो उस पर्टिकुलर ग्रुप को फेवर करने की कोशिश करेगा, दैट मीन स्टेट ऑल्सो मिसयूजेस इट्स पावर टू प्रोवाइड बेनिफिट टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जो पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है इन सच अ स्टेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज ग्रुप्स एंड मेनी टाइम गोज अगेंस्ट द मेजोरिटीज विल। अब यहाँ पर क्या है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन को ज्यादा फेवर करने की कोशिश की गई है तो बाकी जो मेजोरिटी है उसकी विल के या उसकी इच्छा के अगेंस्ट यहाँ पर काम स्टेट कर रहा है। सो दीज आर द प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट एंड न्यू प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट। अब बात करते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स कहते हैं यहाँ पर अपनी थ्योरी के अंदर, देखिए कार्ल मार्क्स की जब भी बात आए तो वो पर्सन जो है वो काफी जो रिच पर्सन है सोसाइटी के अंदर, यहाँ पर मिडिल क्लास है, उनके काफी अगेंस्ट रहे वो, और उन्होंने हमेशा से ये कहा कि स्टेट जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है या ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रिच पर्सन की इंटरेस्ट को कैटर करने के लिए ही क्रिएट किया गया है। दैट मींस स्टेट का एक ही मोटिव है, वो क्या है, रिच पर्सन को बेनिफिट प्रोवाइड करना, रिच पर्सन के लिए काम करना, और उनकी जो इंटरेस्ट है जो रिच पीपल हैं यहाँ पर मिडिल क्लास हैं उनके फायदे के लिए काम करना, एज वेल एज उन्होंने ये भी कहा कि
स्टेट ने एक मास्क पहन रखा है जिस मास्क के थ्रू उनको लगता है कि वो गरीबों की मदद करता है या फिर वेलफेयर स्टेट है, बट एक्चुअल में हर एक स्टेट का एक डिफरेंट फेस होता है और वो क्या है, वो फेस है जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के फायदे के लिए काम करता है। तो ये थ्योरी है बेसिकली मार्क्सिस्ट थ्योरी। और ऐसे स्टेट के अंदर जो पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है वो कैसी होती है, कोर्सिव होती है बेसिकली। जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पर्सन है, उनके लिए काफी कोर्सिव नेचर की होती है, और जो डोमिनेंट ग्रुप है दैट मीन जो रिच पीपल्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। यहीं पर मार्क्सिस्ट में आगे बात की गई न्यू मार्क्सिस्ट यानी नई थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो ग्राम्स्की अपने एक फ्रेज यूज करते हैं आइडियोलॉजिकल हेगेमनी, दैट मींस जो रिच पीपल्स हैं दे डू नॉट ओनली यूज द स्टेट फॉर इट्स वेस्टेड इंटरेस्ट बट ऑल्सो यूजेस अदर इंस्ट्रूमेंट। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यह कहा गया कि जो रिच पीपल्स हैं, जो अमीर वर्ग है, वो न केवल स्टेट को यूज करता है अपने फायदे के लिए बल्कि अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जैसे एजुकेशन, रिलीजन, वो उनको भी यूज करता है अपने फायदे के लिए। दैट मीन्स जो कॉरपोरेट हैं, जो रिच पर्सन्स हैं, जो स्टेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के माध्यम से ही बल्कि अलग तरीकों से भी अपने फायदे के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे स्टेट के अंदर जो पब्लिक पॉलिसी क्रिएट होती है they basically tries to take care of religion, culture, education, etc. through public policy to perpetuate the bourgeois interest. Basically, आप यहाँ पर example ले सकते हो यूरोप का। यूरोप में बात करेंगे हम जब मॉडर्न मतलब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है तो वहां पर, या 15th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या था, जो चर्च था, चर्च ने क्या किया था, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया था बेसिकली, ठीक है, रिलीजन को भी, और काफी ज्यादा सोसाइटी को वो डिसाइड कर रहा था कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो न केवल स्टेट चर्च के बेनिफिट के लिए काम कर रहा था बल्कि क्या है, चर्च ने एक हद तक जो सोसाइटी, जो अदर एस्पेक्ट होते सोसाइटी को, उनको भी कंट्रोल कर लिया था। फाइन, फिर बात करते हैं कंटेम्प्रेरी मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। तो यहां पर मिलीबन और पोलंडजात, जो भी आप इनको प्रोनाउंस करो उनके नाम को, दे चैलेंज द टू क्लास मॉडल ऑफ मार्क्स एंड स्टेटेड दैट इवन द बुर्जुआ क्लास कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेवल। उन्होंने ये कहा कि जो अपर क्लासेस होती हैं सोसाइटी के अंदर, जो अपर क्लास है या जो रिच पर्सन्स हैं, उनमें भी डिफरेंट लेवल है। वो आर्ग्यू करते हैं दैट स्टेट विल फॉर्मुलेट पॉलिसी और ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं दैट एक्ट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस क्लास एंड विल आल्सो सर्व द पुअर एंड वल्नरेबल बट अंडर द एजेस ऑफ बिजनेस क्लास। देखिए, स्टेट पॉलिसी बनाता है और ऐसी पॉलिसी बनाता है जिससे डायरेक्टली बिजनेस क्लास को फायदा हो रहा है और पुअर को भी फायदा हो रहा है, लेकिन पहले बिजनेस क्लास को फायदा होगा बाद में पुअर को, फाइन। और इसीलिए मिलीबन को इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने स्टेट को एक इंस्ट्रूमेंट, या जो स्टेट पॉलिसी है उनको इंस्ट्रूमेंट की तरह माना है। फिर वो कहते हैं दैट रोल ऑफ स्टेट इज आउटकम ऑफ बैलेंस ऑफ पावर ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी की पावर बैलेंस होता है उसी का बेसिकली आउटकम उभर के आता है रोल ऑफ स्टेट। एंड जो पब्लिक पॉलिसी क्रिएट होती है इन सच अ स्टेट अरेंजमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बैलेंस ऑफ पावर इन सोसाइटी। किसके पास कितनी पावर है, बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। एंड दस इट इज अ स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट ऑफ बोथ अपोजिंग फैक्टर, दस ही इज आल्सो कॉल्ड द स्ट्रक्चरलिस्ट। अब यहां पर जो ये सेकंड पर्सन है पोलंडजात, अगर हम प्रोनाउंस करें तो इनको, तो उन्होंने क्या कहा कि बेसिकली जो सोसाइटी है वो बैलेंस ऑफ पावर पे चलती है, या स्टेट जो बैलेंस ऑफ पावर पे स्टेट का रोल उभर के आता है, तो इनको स्ट्रक्चरलिस्ट भी कहा गया है। और मिलीबंद आर्ग्यू करते हैं दैट स्टेट अपनी पॉलिसीज को एज एन इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करता है टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द बिजनेस क्लास, तो उनको इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी कहा गया है। बेसिकली ये पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप पढ़ते हो तो ये जो नए आप कह सकते हो थिंकर के नाम आते हैं, इट्स क्वाइट लिटिल बिट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस देम बट आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेविथन स्टेट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसके बेसिकली क्या है, स्टेट पावरफुल है और स्टेट के पास सारी पावर है, सारे पोटेंशियल है, ठीक है। लेविथन का मतलब होता है गिग्नेटिक, बिग, पावरफुल। और ये जो टर्म है ये कॉइन की गई थी थॉमस हॉब्स के द्वारा। इस स्टेट की दो साइड होती है, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट की तरह। डिमांड मतलब डिमांड ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, और सप्लाई मतलब स्टेट उन डिमांड को कैसे पूरा करता है।
So demand side refers to the demand of the society brought about by the big state, and supply side refers to initiation of the state to become a big state. मतलब एक मार्केट स्टेट की तरह है जिसमें क्या है सोसाइटी डिमांड करती है हमें ये चाहिए और स्टेट जो है उनको डिमांड उनकी जो है वो पूरी करता है. पब्लिक पॉलिसी ऐसे स्टेट के अंदर बनेगी तो आप आइडिया लगा सकते हो कैसी बनेगी. फाइन, तो यहाँ पर जो पब्लिक पॉलिसी बनती है वो हर एक एरिया को इंक्लूड करती है, चाहे वो डेवलपमेंटल हो चाहे नॉन डेवलपमेंटल हो. और यहाँ पर पीपल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा मिलेगा आपको. क्यों? क्योंकि वो आवाज उठाते हैं, वो डिमांड करते हैं. सो पीपल गेट अ चांस टू वॉइस देयर व्यू and state on its bring public policy which it feels is beneficial for people. तो state जो है वो यहाँ पर welfare state का आपको मिलेगा कि लोगों ने demand किया, state ने provide करवाया. ठीक है, that is called Leviathan state. और ये term Leviathan जो है वो किसने coin की थी? Thomas Hobbes ने. Fine. अब patriarchal state की बात करते हैं. patriarchy हमारी society का type भी है. So I hope आपको idea हो जाएगा नाम से क्या होता है ये. तो पैट्रियार्कल स्टेट क्या है? इट इज अ फेमिनिस्ट व्यू ऑफ स्टेट एज दे बिलीव दैट द स्टेट इज एक्सप्लोइटेटिव टुवर्ड्स फीमेल्स एंड जस्टिफाइड मेल वैल्यूज एंड ओरिएंट टुवर्ड मेल्स. अब जो ज्यादा फेमिनिस्ट हैं उनका ये मानना है कि सोसाइटी बेसिकली फीमेल्स के लिए एक्सप्लोइटेटिव है, फीमेल्स के अगेंस्ट है. बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनती है जो फीमेल को बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करती, और स्टेट बेसिकली मेल वैल्यूज को ही जस्टिफाई करता है और मेल्स के लिए ही काम करता है. फाइन, तो ये काफी फेमिनिस्ट व्यू है, काफी फेमिनिस्ट अप्रोच है टू द स्टेट. और यहां पर दो अप्रोच है, एक होता है रेडिकल फेमिनिज्म और एक होता है लिबरल फेमिनिज्म. रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है कि दे डू नॉट बिलीव इन द ग्रेजुअल चेंज. आज आपने बोला वो चेंज हो जाना चाहिए. स्टेट को हम कन्फ्रंट करेंगे कि उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई क्यों, और वो अपने राइट्स की डिमांड करते हैं. बस आज कह दिया तो आज ही चाहिए. रेडिकल का मतलब है कि कैसे भी चाहिए, साम दाम दंड भेद, बट आज जो हमने मांगा है राइट्स, जो हमारे हक हैं एज अ फीमेल, वो हमें चाहिए. सो दीज आर द रेडिकलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी आइडियाज होते हैं. एंड दे डू नॉट बिलीव इन द रिफॉर्म और ग्रेजुअल चेंज, दे बिलीव इन कन्फ्रंटिंग द स्टेट एंड डिमांडिंग द राइट्स एट द वेरी मोमेंट. ये आपको जनरली जो है आपको आसपास भी ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो रेडिकल जिनका व्यू होता है. और कुछ होते हैं लिबरल फेमिनिज्म में बिलीव करने वाले, ये मानते हैं ग्रेजुअल रिफॉर्म को, धीरे धीरे चेंज आना चाहिए सोसाइटी के अंदर. और उनका ये जो फेमिनिज्म है ये बेसिकली बिलीव करते हैं लिबरल फेमिनिज्म वाले दैट द ट्रेडिशनल स्फीयर इज बिलीव टू बी फॉर फीमेल्स एंड पब्लिक स्फीयर इज बिलीव टू बी फॉर मेल्स एंड द स्टेट सपोर्ट दिस इम्बैलेंस. देखिए, जो हमारा ट्रेडिशनल स्फीयर है, जो घर है, सोसाइटी है, ये फीमेल्स के लिए बनाई गई है, और जो पब्लिक स्फीयर है वो किसके लिए बनाया गया है? मेल के लिए बनाया गया है. और स्टेट जो है वो इस इम्बैलेंस को सपोर्ट करता है, न कि मेल फीमेल. नहीं, ये जो बेसिकली हमारा एक दायरा निर्धारित कर दिया गया है कि घर विमेन्स के लिए और बाहर पब्लिक वो मेल के लिए, तो ये जो इम्बैलेंस है स्टेट बेसिकली सपोर्ट दिस इम्बैलेंस एंड हाउ आर दे बिलीव इन टेकिंग वन स्टेप एट ए टाइम टू रेक्टिफाई द जेंडर इम्बैलेंस इन बोथ सेक्टर. तो उनका ये मानना है दे जनरली डू नॉट बिलीव इन द फेमिनिस्टिक व्यू, वो जेंडर इम्बैलेंस में बिलीव करते हैं. ठीक है, सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं बल्कि मेल के लिए भी वो बेसिकली दे वर्क टू द जेंडर इक्वेलिटी और जेंडर इम्बैलेंस को कम करने के लिए कोशिश करते हैं. सो ये होता है पैट्रियार्कल स्टेट. अब इसके अलावा भी है कुछ और टाइपोलॉजी है स्टेट की, फटाफट कवर कर लेते हैं. एक होता है मिनिमलिस्ट स्टेट, लेस इज फेयर, दैट मींस लीव अस अलोन वाली पॉलिसी. स्टेट यहां पर सिर्फ रेगुलेटरी काम करता है, मतलब स्टेट वहीं पर जहां पर जरूरत हो, और वो नॉन डेवलपमेंट रोल. यहां पर प्राइवेट सेक्टर आपको देखने को मिलेगा. पब्लिक पॉलिसी रेगुलेटिव होती है और फैसिलिटेटिंग होती है. वो बेसिकली जो डेवलपमेंट काम है वो मेनली किसको सौंप दिया जाएगा? प्राइवेट सेक्टर को. तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन का काम करेगी. ठीक है, मिनिमलिस्ट स्टेट मतलब स्टेट का रोल मिनिमाइज कर दिया गया है. सेकेंड है डेवलपमेंटल स्टेट, दैट मीन्स इट डज नॉट अलाउ प्राइवेट प्लेयर. स्टेट ने ही सब कुछ काम संभाल लिया है, मैं ही करूं सब कुछ. इट डज अलाउ प्राइवेट प्लेयर इन द पब्लिक फील्ड, बट द स्टेट इज प्रोएक्टिव इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. अलाउ तो करता है पब्लिक को, बट स्टेट प्रोएक्टिव डेवलपमेंट एक्टिविटीज को
लेकर के एंड देयर इज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप टू अचीव द सेम. पब्लिक पॉलिसी जो यहाँ पर डिजाइन होती है वो डिटेल्ड में बनती है और बेसिकली हर इशू को क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया, यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिकली डेवलपमेंट एक्टिविटीज या डेवलपमेंटल जो गोल है उनको अचीव करने के लिए पीपीपी पार्टनरशिप या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू कोशिश की जाती है. देन सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट, इस टाइप की स्टेट में स्टेट बेसिकली फोकस करता है इक्विटी पे इंस्टेड ऑफ इकोनॉमी, कि बैलेंस बना रहे, सबके बेनिफिट के लिए काम करता है. इकोनॉमी और डेमोक्रेटिक मेथड आर यूज टू अचीव द सेम. फाइन, पब्लिक पॉलिसी जो बनती है यहाँ पर वो सोशली ओरिएंटेड होती है. सोशल सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, वीमेन, जेंडर डेवलपमेंट, इन पे ज्यादा फोकस किया जाता है. फिर आता है कलेक्टिवाइज्ड स्टेट. यहाँ पर क्या है कि सब कुछ स्टेट कलेक्ट करना चाहता है, तो प्राइवेट सेक्टर को बेसिकली साइडलाइन कर दिया जाता है एंड द इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को सेंट्रलाइज कर दिया गया है स्टेट के हाथ में. ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी ये यहाँ पर आप सोशलिस्ट जो स्टेट होता है या जहां पर प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया जाता, ऐसे स्टेट जहां पर सब कुछ स्टेट के हाथों में होता है वैसा स्टेट. पब्लिक पॉलिसी हेयर विल डू द सेम एंड एनफोर्सेस द प्रिंसिपल दैट स्टेट फॉलोज. बेसिकली जो पब्लिक पॉलिसी होगी वो वैसी ही बनेगी जैसा स्टेट चाहेगा. टोटलिटेरियन स्टेट में यहाँ पर जो सोसाइटी का हर एस्पेक्ट है उसको सेंट्रलाइज कर दिया और कंप्लीटली एजुकेशन, कल्चर, रिलीजन, हेल्थ, फर्दर कुछ भी क्यों ना हो सब कुछ स्टेट कंट्रोल कर रहे हैं. पब्लिक पॉलिसी हियर इज मेड ऑन एवरी एस्पेक्ट एंड द स्टेट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस अलोन. यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट की ज्यादा एजेंसीज भी नहीं होती. बेसिकली जो सब कुछ है वो सेंट्रलाइज ही होता है, स्टेट ही सब कुछ काम कर रहा होता है. फाइन, सो ये कुछ टाइपोलॉजी थी. आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. थैंक यू सो मच. आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं. हमारे अदर सोशल मीडिया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड दोज हु वांट आवर एफर्ट टू बी कंटिन्यूड जैसे अभी चल रहा है वैसे चलता रहे, सो उसके लिए जो कंट्रीब्यूट करना चाहे या जो मतलब एफर्ट के लिए नोट्स परचेज कर सकते हैं. पेपर वन के कंप्लीट नोट्स 700 रुपीज के आते हैं. आपने अगर कहीं और से मटेरियल परचेज भी कर रखा हो तो भी इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिसको आप पे नहीं कर सकते. फाइन, एंड आपकी एक एफर्ट, आपकी एक कोशिश रियली हेल्प द चैनल टू ग्रो. फाइन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन.